अलग तो मुझे पता नहीं, मजा मैं सेलिब्रेट करने आया हूँ, और सेलिब्रेट करने आया हूँ आफ्टर 2 सालों के बाद मौका मिला है कि लोगों को मैं लाइव देख सकता हूँ, लाइव परफॉर्म कर सकता हूँ, और मैं खुश हूँ लाइव परफॉर्म करते हुए। आई लव स्टेज, बीइंग ऑन स्टेज तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेज पे चढ़ना, लोगों को एंटरटेन करना। क्या मस्ती होने वाली है, किस तरह की परफॉर्मेंस? अगर सारे जोक मैं आपको बता ही दूंगा अभी, तो आप वहाँ क्या देखोगे? सुनील जी, आप काफी धमाल कर रहे हैं फिल्मों में, हो लास्ट क्वेश्चन, कोई बात क्या कहना चाहोगे इसको लेके आप? देखिए मैं कहाँ कर रहा हूँ, एक तो OTT की वजह से काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट अब शुरू हो गया है, और मतलब पहले भी था पर एक दायरा बढ़ गया है, तो और मैं आई फील वेरी लकी कि मुझे अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाने को मिल रही हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहे हैं, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कॉमेडी करना बहुत इंजॉय करता हूँ, पर लोग इसके अलावा भी मुझे एक्सेप्ट जब करते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपके नया शो लेके आ रहे हैं, कोई नहीं शिल्पा, एंड आप यू नो लोगों के करीब और ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं, हाउ इज इट फीलिंग टू गेट समथिंग लाइक दिस? सॉरी मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन सुना नहीं आपका। जय भीम एप्लीकेशन के साथ आप ये शो लेके आ रहे हैं, तो कौन सा? जय भीम ऐप शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो स्पॉन्सर है अपने, कौन लेके आ रहा है? आप लेके आ रहे हैं? मैं लेके आ रहा हूं, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता। नवरात्रि के पावन महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पावन महीना चल रहा है, और पवन भी चल रही है, जैसा कि आपने बोला पवन महीना, तो पवन भी है, पावन भी है, और ऑफ कोर्स बड़ा अच्छे दिन है, लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, और प्रे से पावरफुल कुछ नहीं होता, सो आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल डेज। थैंक यू, जय माता दी। आज का कॉमेडी का जो इवेंट है उसमें सुनील ग्रोवर हमारे मेन होस्ट है, उनका शो है ये, और उनके कॉमेडी के एक्टिविटीज़ के, उनके इवेंट्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में सारी दुनिया जानती है। अब ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम इस शो के साथ एसोसिएटेड है। जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप ये इस वक्त सबसे पॉपुलर ऐप है, और इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स नए नए वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना था जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, और फिर सुनील ग्रोवर से बढ़कर कौन है जो कंटेंट क्रिएट ना करे। उन्होंने बहुत सारा कंटेंट टेलीविज़न के लिए किया है, खुद उनके डिजिटल स्पेस में भी उनका बहुत सारा कंटेंट है, तो हमको बड़ी खुशी हुई है कि जय भीम ऐप इस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। आज कुर्ला में फिनिक्स मॉल में जब ये एक्टिविटी हो रही है तो शो हमारा हाउसफुल है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, और साथ ही साथ इस ऐप के साथ भी हमारे डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जय भीम ऐप को डाउनलोड करें और बहुत सारे इनामों के हकदार बने, क्योंकि हमने कई सारी स्कीम्स रखी हैं। और सर सुनील ग्रोवर जी को भी क्या हम देखेंगे कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए जय भीम ऐप पर? सुनील ग्रोवर साहब के साथ हम चाह रहे हैं कि आगे चलकर कुछ शॉर्ट वीडियो ऐप्स पे उनके कंटेंट को लिया जाए, बिकॉज कॉमेडी के क्षेत्र में वो अग्रणी हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वीडियो शॉर्ट वीडियो ऐप्स पे आते हैं उसमें कॉमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है, इसमें कॉमेडी सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं, उसमें कॉमेडी के लिए सुनील ग्रोवर इंस्पिरेशन है, बहुत सारे यंगस्टर्स उनको अपना आदर्श मानते हैं, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स आज भी उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके वॉइस ओवर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, वो शॉर्ट वीडियो ऐप से बहुत ही पॉपुलर फेस है, इसलिए बहुत नेचुरल था कि हम उनके साथ जुड़े, और इसके साथ ही हमको लगता है कि सुनील ग्रोवर साहब के साथ हमारी रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। साथ ही अगर सर जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगह पे जाके जय भीम ऐप पे प्रमोट किया जा रहा है, आगे क्या कुछ नया एक्टिविटी लेकर आने वाला है जय भीम ऐप? देखिए अभी हमने कैलाश खेर नाइट की, उसके अलावा सुनील ग्रोवर साहब के साथ कर रहे हैं, आज उज्जैन में हम मनोहर उदास साहब के साथ एक टैलेंट हंट कर रहे हैं, कल इंदौर में एक टैलेंट हंट है, उसके अलावा 13 तारीख को जमहूरी मैदान मुंबई में प्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती का एक बहुत बड़ा रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, उसके अलावा आम्बेडकर एक्सेलेंस अवार्ड्स की भी हम घोषणा करने वाले हैं, उसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, हम ये कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, तो आज के एक्टिविटी के बाद कल एक बड़ी एक्टिविटी है जो इंदौर में होने जा रही है, जो सिंगिंग पे है, आज बेसिकली कॉमेडी पे है, कल मनोहर उदास साहब रहेंगे, आज सुनील ग्रोवर है, और उसके बाद 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे में होगा, और उस एक्टिविटी में भी
कुछ बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं नाम, उनमें सुनील पॉल है, उसके अलावा संभाजी भगत साहब है, और भी कई सारे सिंगर्स हैं, नितिन रायकवार है, तो ऐसे कई सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। हो सकता है 13 तारीख को एक बड़ा धमाका हो इस ऐप के साथ। इतना आरसीटी वाला था जो पूरा सक्सेस हुआ, फुल शो था, ऐसा ही इधर लोगों में जोश है, लोग बहुत घुमा के आ रहे हैं, पूरे जोश से आ रहे हैं, और ऐसा ही ये सक्सेस होने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग के फ़ोन आ रहे हैं, सर हाउसफुल है, क्या करें, तो वही बात लास्ट वाली रिपीट हो रही है, बहुत मज़ा और बहुत अग्रेसिव है सब में, और सुनील जी करेंगे बहुत अच्छा। सर क्या कहना चाहेंगे गिरीश सर के साथ, राहुल जी के गिरीश सर की एसोसिएशन? गिरीश सर बहुत अच्छे हैं, जय भीम एप्लीकेशन ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जो जंग लोग हैं उनमें पूरा जोश है, बहुत सारे रोज़ की रोज़ डाउनलोड हो रहे हैं, जय भीम बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, आगे जाके आप देखना गिरीश जी शायद आपको मिलेंगे भी नहीं, इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। और राहुल जी मिड डे के, ये तो आपको पता ही है राहुल जी के बारे में, तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। राहुल साहब का हम दोनों को, मुझे और सचिन को बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने इवेंट्स तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ पर्सनल प्रोफाइलिंग भी करता है और किसी भी ब्रांड को रिस्पेक्ट देता है। आज हम इतने वक्त से इनके साथ जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े हैं, अब सचिन भाई आने के बाद मिट्टे ने हम दोनों की ताकत बहुत बढ़ा दी, एक नया रूप पैदा कर दिया, मतलब कुछ नया ही पैदा हो गया, कुछ मतलब ज़बरदस्त हो रहा है, आगे जाके और भी अच्छा करेंगे। राहुल जी है साथ में, इनका आशीर्वाद है बस। राहुल भाई आप क्या कहना चाहेंगे मिट्टे जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है सारे इवेंट्स को, पिछला जो शो था वो सुपर हिट था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पूरा हाउसफुल है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और आप लोग ये इवेंट कवर करने के लिए आए, और जैसे गिरीश भाई और सचिन भाई, जैसे जय भीम और सचिन एंटरप्राइज, ये दोनों ने हमेशा से सपोर्ट किया मिड डे को, और मिड डे की ताकत एंटरटेनमेंट जोन रहा है, जो अगर आपने हाल ही में देखा होगा लास्ट एक साल दो साल के अंदर, हम लोग म्यूजिकल नाइट रिपीटेटिवली 4 साल से कर रहे हैं, हम लोग अपना ये कॉमेडी नाइट्स हम लोगों का ये पहला एक्ट है जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अब कल हमने किटी पार्टी किया था, जो अगेन एक वीमेन सेगमेंट को एंटरटेनमेंट पर से हम लोग टारगेट करते हैं, तो मिड डे यूथ और एंटरटेनमेंट, ये जो मेरे दोनों बटन्स हैं, हम लोग उनको टैप करके आगे बढ़ें।